Times Now's Karishma Singh, who is in Tokyo right now, has also exclusively gotten us this word from Lovlina Borgohain. This is after her semi-final bout. The young Olympian here has dedicated her bronze to India, to the entire country here. She is also, in fact, congratulated and hailed all female athletes and saying that Indian female athletes here are going to be bringing in more laurels to India this time around. लवलीना, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस आपको. कितनी बड़ी अचीवमेंट आप मान रही हैं अपने लिए, ब्रॉन्ज मेडल? पहले तो गोल्ड मेडल का ही मेरा एम था कि मैं गोल्ड मेडल ही लेके जाऊंगी, खुद के ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन जैसा सोचा उतना तो नहीं हो पाया. फिर भी अच्छा लग रहा है कि देश के लिए मेडल ले पाई, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी और अच्छा करूँ और देश के लिए और मेडल लेके. डेब्यू ओलंपिक्स है, ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता, पूरा देश आपके लिए खुशियाँ मना रहा है, आपके घर की सड़क आपके लिए अब बन के तैयार मिलने वाली है, सबको ही सिर्फ आपके बारे में इस वक्त बात कर रहा है, तो वो एक नई फीलिंग है आपके लिए? नई फीलिंग तो हाँ, थोड़ा एक्साइटेड हूँ. घर एक साल नहीं गई, घर में जाके मम्मी पापा से मिल के और पूरे आसाम के लोगों से मिल के, देशवासियों से मिल के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे आसाम के लोग इतना मतलब मेरे लिए प्रे किया है, हर दिन मेरे लिए दिया जलाया है कि प्रे किया है कि मैं अच्छा करूं, तो सभी को मैं थैंक यू बोलती हूं और हाँ, थोड़ा एक्साइटेड हूं मैं. ये जीत आप किसको डेडिकेट कर रही हैं, किसके लिए मेडल जीता है ये आपने? मेन तो मैं देश के लिए ही खेला हूं, तो मैं देश को ही मेडल डेडिकेट करती हूं. और मैंने आपसे आपसे सवाल पूछा गया था कि आप जब छुट्टी पे जाना चाहती हैं, घूमने जाना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं आप? नहीं, मैंने बोला कि अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, घर जाके मम्मी पापा को लेके मैं मतलब कहीं बाहर जाएंगे घूमने जाना. अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अब आप घर जाएंगी, आप अपने घर वालों से मिलेंगी, वो कैसा रहेगा आपके लिए, और ये ओलंपिक से आप क्या सीख कर जा रही हैं? कोविड-19 के ड्यूरेशन के अंदर ये ओलंपिक्स हुए, उसमें आप खेली, उसमें आप जीती, तो आप क्या सीख कर जा रही हैं? सीखना, मैं यही बोला कि मतलब खुद पे विश्वास रखना ज़रूरी होता है, जितना भी मतलब मुश्किल टाइम आ सकते हैं, लेकिन खुद पे कभी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, करना ही है, सोच के आगे बढ़ना चाहिए, मैं यही सीखा बस. और वुमेन पावर चल रही है टोक्यो 2020 में भी? हाँ जी, वुमेन पावर तो चल ही रहा है, अभी मुझे लगता है कि और भी लड़की निकल के आएंगे, हमारे देश का नाम लड़कियाँ और भी आगे बढ़ाएंगे.